Hello everyone, in today's video we are going to read the chapter 9 of English Mulberry class 6. The story is titled The Blue Umbrella. It's a famous short story written by Ruskin Bond, and the book has been so popular, the story has been so popular that one movie has also been made in recent years. नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर विद अ क्वेश्चन कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ जिसकी आप कदर करते हैं वो क्या है, क्या ये कोई टॉय है, फोटोग्राफ है, कपड़े का टुकड़ा है या कुछ और है. द राइटर आस्क्स यू टू राइट अ कपल ऑफ लाइन्स अबाउट योर प्राइज्ड पोजिशन एंड स्टेट व्हाई इट इज़ योर फेवरेट. स्टोरी को लिखने वाले का ये क्वेश्चन है कि आपको सबसे अधिक क्या पसंद है, और वो कहता है कि आप इसके बारे में कुछ लिखो जो भी आपका फेवरेट है और ये क्यों आपको इतना पसंद है. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल बिन्या हु वांट्स समथिंग बैडली एनफ टू गिव अप अ प्राइज्ड पोजीशन फॉर इट. यहाँ कहानी है एक यंग लड़की बिन्या की जो कि कुछ चाहती है. नाउ व्हाट इज दैट, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. नीलू नीलू क्राइड बिन्या. बिन्या नीलू नीलू चिल्लाती है. नीलू वॉज द नेम ऑफ अ ब्लू ग्रे काउ. ये जो नीलू नाम है वो एक ब्लू और ग्रे कलर की काउ का है. जो दूसरी काउ है जो कि सफ़ेद है वॉज कॉल्ड गोरी, मीनिंग द फेयर वन. गोरी का मतलब होता है फेयर वन. दे वेयर फाउंड ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ ऑन दियर ओन. और इन दोनों को क्या पसंद था, भटकना, मतलब खुद से ही मंडराना, फ्री घूमना. इन दोनों ही गायों को पसंद था. बिन्या बिलोंग टू द माउंटेंस. बिन्या पहाड़ियों में रहती थी. टू द पार्ट ऑफ हिमालयाज नोन एज गढ़वाल. शी वॉज क्वाइट स्टर्डी, फेयर ऑफ स्किन, विथ पिंक चीक्स एंड डार्क आईज एंड अ ब्लैक एयर टाइड इन पिगटेल. शी वोर प्रिटी ग्लास बैंगल्स ऑन हर रिस्ट्स एंड अ नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स. फ्रॉम द नेकलेस हंग अ लियोपर्ड्स क्लॉ. इट वॉज लकी चार्म एंड बिन्या ऑलवेज वोर इट. अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि बिन्या कैसी दिखती थी, उसे क्या पसंद था, और साथ में ये भी बता रहा है कि उसके गले में हमेशा ही एक नेकलेस, मोतियों का नेकलेस लगा होता जिसमें कि एक लियोपर्ड का पंजा भी टंगा था, विच वॉज लाइक अ लकी चार्म, उसका गुड लक था. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी दैट बिन्या हैड स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर नीलू. शी हर्ड द काउ बेल्स टिंकलिंग एंड न्यू द काउज हैडंट गॉन फार. अभी बिन्या ने उसे पुकारना बंद कर दिया था, नीलू को पुकारना बंद कर दिया था. She heard the cowbells tinkling and knew the cows hadn't gone far. और उसे पता था कि गाय कहीं बहुत दूर ज़्यादा नहीं गई है, क्योंकि उसे घंटियाँ सुनाई दे रही थी. Singing to herself, she walked over fallen pine needles into the forest on the spur of the hill. अभी वो खुद से ही गाना गाते हुए वो पाइन नीडल्स, वो गिर पड़ी पाइन नीडल्स. नाउ व्हाट इज दिस पाइन नीडल्स. द लीव्स ऑफ पाइन ट्री आर ग्रोन एज पाइन नीडल्स. जो ये खजूर के पेड़ होते हैं उनका, ये जो पाइन ट्रीज होती है उनके जो नुकीले नुकीले पत्ते होते हैं उसे कहा जा रहा है पाइन नीडल्स. और वो शी केम अपॉन अ पार्टी ऑफ पिकनिकर्स. और वो पहुंच जाती है गिरते हुए एक ऐसे लोगों के ग्रुप के बीच जो कि वहाँ पिकनिक मनाने आए थे. Binya was watching the picnickers when a gaze came to rest on a bright blue umbrella which lay open on the grass beside its owner. अभी जब वो उन पिकनिकर्स के बीच आ गिरती है तो उसकी नज़र पड़ती है, she gazed, उसने ध्यान से देखा तो नीली छतरी के बगल में कुछ लोग बैठे थे, जिस की उस छतरी की जो मालकिन थी उसके बगल में छतरी फैली हुई थी. Now Binya had seen umbrella before. बिन्या ने इसके पहले भी छाते देखे थे, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम बिन्या हैड सीन सच अ स्मॉल डेंटी कलरफुल अम्ब्रेला. बिन्या ने आज के पहले भी छाते देखे थे, लेकिन यह पहली बार था कि उसने ऐसा खूबसूरत नन्हा सा छाता देखा था, इतना कलरफुल. शी फेल इन लव विथ इट. उसे बिल्कुल ये बहुत पसंद आया. शी मूव फॉरवर्ड अ फ्यू पेसेस सो दैट शी कुड सी द अम्ब्रेला बेटर. वो कुछ और कदम आगे बढ़ी ताकि वो अम्ब्रेला को और बेहतर ढंग से देख सके. एज शी केम आउट ऑफ द शेडो इन टू द सनलाइट द पिकनिकर्स सॉ हर. और जैसे ही वो परछाई से निकल कर धूप में आई तो पिकनिकर्स भी उसे देख पा रहे थे. हेलो लुक हु इज़ हियर. और वो पिकनिकर्स आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे देखो कौन आया यहाँ पे. दो महिलाएँ थीं, उनमें से जो ज़्यादा बड़ी थी वो कहती है,
a little village girl. The older woman beckoned to Binaya to come closer. जो उम्र दराज महिला थी उसने बिनया को अपनी तरफ बुलाया, बेकॉन्ड, उसने उसे हिम्मत बढ़ाया कि वो उसकी तरफ आए. हेजिटेंटली, हिचकिचाहट में और नर्वसनेस में बिनया अप्रोच द ग्रुप. बिनया भी उस ग्रुप के पास पहुंची. नॉर्मली शी वुड हैव टर्न्ड एंड फ्लेड. आमतौर पे अगर उसे कोई भी पिकनिकर मिलता या कोई नए लोग मिलते तो वो भाग खड़ी होती वहां से. बट द प्रिटी ब्लू अम्ब्रेला हैड कास्ट अ स्पेल. लेकिन इस छोटे से ब्लू अम्ब्रेला ने मानो उस पर कोई जादू कर दिया हो, ड्राइंग हर फॉरवर्ड ऑलमोस्ट अगेंस्ट हर विल. उसके कदम उसकी मर्जी को मान ही नहीं रहे थे और वो उस छाते की तरफ बढ़ती चली जा रही थी. व्हाट्स दैट ऑन हर नेक, आस्क द यंगर वुमन. अभी उन दोनों में से जो कम उम्र की महिला थी वो पूछती है कि आखिर उसके गर्दन पे क्या है. अ लकी चार्म, सेड द मैन बिसाइड हर. बिसाइड मतलब बगल में, तो एक इंसान जो कि उसके बगल में खड़ा था वो कहता है कि शायद ये उसका गुड लक है. ओ आई वॉन्ट टू, मुझे भी ऐसा ही एक चाहिए, सेड द वुमेन. यू कांट गेट देम इन शॉप्स. तुम्हें वो दुकान में नहीं मिल सकता. बाई हर्स देन, तो फिर उसका ही खरीद लेते हैं. गिव हर्स 2 or 3 rupees, सी श्योर टू नीड द मनी. उसे 2-3 rupees दे दो, मुझे पक्का विश्वास है कि उसे भी पैसे की जरूरत होगी, सो वो ले लेगी. बाईज हर्स देन, गिव हर 2 or 3 rupees. द मैन प्रोड्यूस्ड अ 2-rupee note एंड ऑफर्ड इट टू बिनया. अब उस इंसान ने 2 rupees का नोट बिनया की तरफ बढ़ाया, इंडिकेटिंग कि उसे वो पेंडेंट चाहिए, वो नेकलेस चाहिए बदले में उस 2 rupees के. बिनया पुट हर हैंड टू द नेकलेस. उसने अपने नेकलेस को ढका. शी शुक हर हेड, उसने अपना सिर हिला दिया, मतलब मना कर दिया. द मैन देन शोड हर अ 5-rupee note. उसने उसे 5 rupees देने का लालच किया, लेकिन फिर बिनया ने फिर गर्दन हिलाकर मना कर दिया. हाउ मच डू यू वॉन्ट, वट कैन वी गिव यू. वो कहता है, उसे पूछते हैं जब वे लोग कि आखिर तुम्हें कितना चाहिए और बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं. विदाउट एनी हेजिटेशन बिनया पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला. और बिना किसी हिचकिचाहट के बिनया ने कहा कि मुझे वो अम्ब्रेला चाहिए. माई अम्ब्रेला, एक्सक्लेम द यंग वुमन. वो यंग वुमन कहती है, मेरा अम्ब्रेला तुम्हें चाहिए. द वुमन डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विथ अन अम्ब्रेला, बट शी रियली वॉन्टेड बिनयाज पेंडेंट. And on an impulse, she picked up the umbrella and held it out to Binaya. Here, take the umbrella. अब वुमेन तो चाहती नहीं थी कि उसका अम्ब्रेला किसी और को मिले. वो जो वुमेन थी वो ये नहीं चाहती थी कि उसका अम्ब्रेला किसी और को मिले, लेकिन फिर चूंकि उसे वो पेंडेंट चाहिए था तो उसने बिनया को कहा कि टेक दिस अम्ब्रेला एंड यू कैन गिव योर पेंडेंट टू मी. बिनया गेव हर द नेकलेस, टुक द अम्ब्रेला एंड हेल्ड इट अप. शी टर्न द ब्लू अम्ब्रेला दिस वे एंड दैट, looked through the bright blue silk at the sun, and then, still keeping it open, turned and disappeared into the forest. अभी जब वो छाता बिनया को मिल गया तो वो इसे किसी और को देना नहीं चाहती थी और वो इसे धूप की तरफ खोल करके वहां से जंगलों में गायब हो गई. Then, in the next page we see, बिनया seldom closed the blue umbrella. बिनया कभी कभी उस umbrella को बंद भी कर रही थी. Even when she had it in the house, she left it flying open in a corner of the room. यहाँ तक कि जब वो अपने घर में होती, छाँव में होती, तब भी वो उस छाते को खुला ही छोड़ देती थी अपने कमरे के किसी कोने में. जब कभी भी बिनया बाहर जाती, whether it was to gaze the cows or to fetch water from the spring, she took the umbrella with her. और जब कभी भी उसे मौका मिलता घर से बाहर जाने का, चाहे उसकी गायों को देखभाल करने के लिए या फिर पानी लाने के लिए, fetch मतलब होता है लाना, तो चाहे वो किसी भी काम के लिए बाहर जाती, वो अपने साथ उस छाते को लेकर के ही जाती थी. द पैच ऑफ द स्काई ब्लू सिल्क कुड ऑलवेज बी सीन ऑन द हिल साइड. अब उस छाते का जो पैच था उस पर जो धब्बे बने थे हल्के ब्लू कलर के, वो माउंटेन्स पे हर वक्त दिखाई दे देते. ओल्ड राम भरोसा केप्ट अ टी शॉप ऑन द टेहरी रोड. अभी गढ़वाल में ही टेहरी रोड में राम भरोसे नाम का एक इंसान था जो कि बूढ़ा था. उसने चाय की दुकान खोल रखी थी. ही ऑल्सो केप्ट स्वीट्स एंड टॉफीज. व्हेन बिनया और बिज्जू हर ब्रदर्स हैड अ फ्यू कॉइन्स टू स्पेयर, दे वुड स्पेंड देम एट द शॉप. अभी जब भी बिनया और बिज्जू के पास कुछ पैसे होते तो वो उसी दुकान पर खर्च करते जब भी उन्हें कुछ मिठाइयाँ टॉफीज खरीदनी होती. हिज शॉप वॉज ओनली अ माइल फ्रॉम द विलेज. और ऐसा इसलिए भी क्योंकि उनका जो गांव था वो उनके गांव और उस दुकान की दूरी काफ़ी कम थी, कुछ मील की ही दूरी थी. राम भरोसा तो बिल्कुल चौंक गए टू सी बिनयाज ब्लू अम्ब्रेला. अभी राम भरोसा उसके ब्लू अम्ब्रेले को देखकर बिल्कुल एस्टोनिश्ड, ही वाज सरप्राइज्ड. व्हाट हैव यू हियर, व्हाट हैव यू देयर बिनया, ही आस्क्ड. पूछता है कि क्या है वहाँ तुम्हारे पास. बिनया गेव द अम्ब्रेला अ ट्विल.
और उसने उसे एक झटका दिया, घुमाया एंड स्माइल एट राम भरोसा. दैट्स लेडीज अम्ब्रेला, सेड राम भरोसा. वेयर डू यू गेट इट? जब राम भरोसा ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास वो क्या है, तो उसने जवाब दिया उस अम्ब्रेला को घुमाते हुए कि दैट्स लेडीज अम्ब्रेला, वो लड़कियों वाला अम्ब्रेला है. फिर राम भरोसे ने पूछा कि तुम्हें वो कहाँ से मिला, वेयर डू गेट इट? समवन गेव इट टू मी, किसी ने मुझे दिया है फॉर माई नेकलेस, मेरे नेकलेस के बदले. बट वॉट डू यू नीड इट फॉर? द सन इजंट हॉट इनफ एंड इट इजंट मीन फॉर द रेन, इट्स जस्ट अ प्रिटी थिंग फॉर रिच लेडीज टू प्ले विथ. लेकिन कहता है कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे सन तो इतना गर्म होता नहीं और बारिश से ये बचाएगा नहीं. तो फिर इस छोटी सी चीज़ की ज़रूरत तो सिर्फ रिच लेडीज़ को होती है, भला तुम्हें इसकी क्यों ज़रूरत? राम भरोसे ने किसे कहा? बिनिया को. आई हैव एन आइडिया, सेड द शॉपकीपर, इट्स नो यूज़ टू यू, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, सो वाई नॉट सेल इट टू मी, ये तो मुझे बेच दो. आई विल गिव यू 5 rupees फॉर इट, मैं तुम्हें इसके 5 rupees दूंगा. इट्स वर्थ 15, सेड बिनिया. बिनिया कहती है इसकी कीमत तो 15 rupees भी कम है. वेल देन आई विल गिव यू 10, ठीक है मैं तुम्हें 10 rupees दूंगा. बिनिया लाफ्ड एंड शुक हर हेड, 12 rupees, 12 rupees फाइनल, बिनिया ने अपना सर हिलाते हुए कहा. राम भरोसा बट विदाउट मच होप, बिनिया प्लेस्ड अ 5 paisa कॉइन ऑन द काउंटर. आई केम फॉर अ टॉफी, शी सेड. वो 5 rupees का सिक्का आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे टॉफी लेने आई थी, मुझे छाते वगैरह नहीं बेचे. राम भरोसा गिव बिनिया अ राइड, वो उसकी तरफ थोड़ा झेप कर देखता है. लुक एंड प्लेस्ड अ कॉफी टॉफी इन द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उसकी हाथों में 5 rupees का टॉफी रख दी. ही वॉच्ड हर एज शी वॉक्ड अवे अलोंग द डस्टी रोड, वो उसकी तरफ देखता रहा जब वो धूल भरी सड़कों पर बढ़ते जा रही थी. द ब्लू अम्ब्रेला हेल्ड हिम फैसिनेटेड, जो ब्लू अम्ब्रेला था उसने उसे फैसिनेटेड, बिल्कुल उसे चकित कर दिया. एंड ही स्टेयर्ड आफ्टर इट अंटिल इट वॉज आउट ऑफ साइट, और वो उसे घूरता रहा जब तक ये उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई. अभी गांव के ज़्यादातर लोग जो थे वो बिनिया के इस ब्लू अम्ब्रेले को देखकर जेलस थे. सो इट्स रिटन, मोस्ट पीपल इन द विलेज वर अ लिटिल एनवायस ऑफ बिनियाज ब्लू अम्ब्रेला. नो वन एल्स हैड एवर पोजेस्ड वन लाइक इट. अभी गांव के किसी भी इंसान के पास ऐसा छाता नहीं था. मोस्ट पीपल कंसोल देमसेल्फ बाय सेइंग दैट बिनियाज प्रिटी अम्ब्रेला वुडंट कीप आउट ऑफ द रेन. अभी क्योंकि बाकी लोगों के पास ये नहीं था, तो वो खुद को यही कह के कंसोल करते हैं, मतलब सहानुभूति देते हैं कि बिनिया का छाता जो है वो किसी काम का नहीं है. इफ इट रेन हैवीली दैट इट वुड बी श्रिवल इन द सन, कहता है कि ना तो ये उसे तेज बारिश से बताएगा और ना ही ये धूप में ही किसी काम का है. इफ द सन वॉज फियर्स दैट इट वुड कोलैप्स इन अ विंड, इफ द विंड वॉज स्ट्रांग दैट इट वुड अट्रैक्ट लाइटनिंग, इफ लाइटनिंग फेल नियर इट एंड दैट इट वुड प्रूव अनलकी इफ देयर वॉज एनी इल लक गोइंग अबाउट. सीक्रेटली एवरी वन एडमायर्ड इट. अभी गांव के लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ना तो ये बारिश में उसके काम आएगा, बारिश में काम आ भी गया तो धूप में काम नहीं आएगा अगर धूप ज़्यादा हो. चलो धूप में भी काम आ जाए तो जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो भी ये किसी काम का नहीं होगा, और कुछ नहीं भी हो अगर कोई बुरी घटना घटती है तो ये उसे किसी काम का नहीं है. मीन्स एवरी वन वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेगेटिव्स अबाउट द अम्ब्रेला बट सीक्रेटली. लेकिन मजे की बात तो ये है कि सब उस छाते को एडमायर करते थे, उसकी बड़ाई या उसको चाहते थे. सीजन्स पास बाई, मौसम ऐसे ही बीतते रहे और इट मीन दैट अम्ब्रेला वॉज बिगिनिंग टू फेड अ लिटिल. और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अम्ब्रेले का कलर जो था वो फेड करना शुरू हो गया, उड़ना शुरू हो गया. फ्रॉम अ ब्राइट ब्लू इट हैड चेंज्ड टू लाइट ब्लू. कभी ये गहरे रंग का हुआ करता लेकिन अब ये लाइट ब्लू कलर का हो चुका था. बट आज भी ये प्रिटी थिंग था एंड टफर देन इट लुक्ड एंड राम भरोसा स्टिल डिजायर्ड इट. लेकिन राम भरोसा अब भी इसको चाहता था जबकि ये छाता काफ़ी पुराना हो चुका था. नॉट अ डे पास विदाउट हिज गेटिंग अ ग्लिम्प्स ऑफ बिनिया एंड द अम्ब्रेला एंड द मोर ही सॉ द अम्ब्रेला द मोर ही वॉन्टेड इट. एक दिन नहीं बीतता जब वो बिनिया को इस छाते को लिए नहीं देखता, और जितनी बार वो इस छाते को देखता उतनी बार वो इसे लेना चाहता. राजा राम एक लड़का था जो कि दूसरे गांव में रहता, रन वेरियस एरंड्स फॉर राम भरोसा.
वो राम भरोसे के लिए कई तरह के काम किया करता, उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता, एरेंड्स मीन्स छोटे मोटे काम, स्मॉल थिंग्स। एक दिन जब बिनिया उस दुकान से गुजर रही थी, राजा राम ने नोटिस किया कि राम भरोसा एक गेव अ डीप साई एंड बिगन मटरिंग टू हिमसेल्फ। वो खुद से, उसने देखा कि राम भरोसा थोड़ा छिप कर खुद से ही बात कर रहा है। व्हाट्स द मैटर, आस्क द बॉय। ओ नथिंग, सेड राम भरोसा। वो कहता है कुछ नहीं, ये बस एक सिकनेस है जो मुझ में आ गया था, और ये सब कुछ इस लड़की और इसके रैकेट अम्ब्रेला के कारण है, और ये जो सिकनेस है, ये जो ओमेन है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लड़की और इस छाते के कारण आया है। वाई, व्हाट हैज शी डन टू यू, आखिर उसने तुम्हारा क्या किया है। रिफ्यूज टू सेल मी हर अम्ब्रेला, देयर्स प्राइड फॉर यू एंड आई ऑफर्ड हर 10 रुपीज। वो कहता है कि उसने अपना छाता बेचने से मना कर दिया मुझे, वो एक प्राइड, उसका जो गर्व है, तुम लोग जो मानते हो कि उसका गर्व है, मैंने उसे 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने इसे मना कर दिया। परहैप्स इफ यू गिव हर 12, वो कहता है कि शायद तुम्हें उसे 12 रुपये देने चाहिए थे। बट इट इज़ंट न्यू एनी लॉन्गर, इट इज़ंट वर्थ 8 रुपीज़ नाउ। तो राम भरोसा कहता है कि अब तो इसकी कीमत 8 रुपये भी नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। एंड What would you do with it? और तुम इससे करोगे क्या? You don't visit anyone, तुम तो कहीं जाते भी नहीं। You are seldom out of your shop, तुम तो कभी कभी ही अपने दुकान से बाहर जाते हो। Of what use would it be to you? ये भला तुम्हारे किस काम का? Of what use is a poppy in a cornfield? वो कहता है कि एक cornfield में किसी poppy का क्या काम? एक fabric, एक plant जिसमें कि रेशे निकले होते हैं, वो कहता है इसका क्या काम। यू आर अ शार्प बॉय, तुम एक चालाक लड़के हो। यू विल कम टू अ बैड एंड, आई विल गिव यू 2 रुपीज। कहता है कि तुम्हें कुछ काम करना होगा मेरे लिए, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। यू डोंट रियली वॉन्ट इट, आई कैन सी दैट, सेड द बॉय। वो कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन विच, सेड द ओल्ड मैन, फेच मी द अम्ब्रेला एंड आई विल गिव यू 3 रुपीज। कहता है ठीक है ठीक है, तुम मेरे लिए वो छाता ला दो, मैं तुम्हें 2 नहीं बल्कि 3 रुपए दूंगा। बिनिया वॉज इन द फॉरेस्ट व्हेन शी हैड फर्स्ट सीन द अम्ब्रेला। अभी बिनिया जंगल में थी जब उसने उस अम्ब्रेला को पहली बार देखा था। इट वॉज अ गुड प्लेस फॉर पॉर्क्यूपाइंस हु शूट टू लाइक मशरूम्स, एंड बिनिया वॉज सर्चिंग फॉर पॉर्क्यूपाइन क्विल्स। उस दिन बिनिया साहिल के क्विल्स के कांटों को तलाश रही थी। फॉर वंस शी वुड पुट हर अम्ब्रेला डाउन, एक बार उसने अपना छाता नीचे रखा। शी हैड टू पुट इट असाइड इफ शी वॉज टू सर्च द ग्राउंड थॉरली। उसे अपने छाते को थोड़ा दूर भी रखना पड़ा ताकि वो ग्राउंड को सही से तलाश सके। इट वॉज राजा राम्स चांस, और यही राजा राम के लिए मौका था। ही हैड बीन फॉलोइंग बिनिया फॉर सम टाइम, वो पिछले कुछ समय से बिनिया का पीछा करता रहा था। ही वेटेड अंटिल बिनिया हैड वॉन्डर्ड सम डिस्टेंस फ्रॉम द अम्ब्रेला। वो इंतज़ार में था कि बिनिया उस छाते से थोड़ी दूरी बनाएगी, फिर वो दौड़कर आगे बढ़ा, उसने छाते को सीज कर लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया, एंड ओपन अम्ब्रेला एंड डैश्ड ऑफ विथ इट। बिनिया क्राइड आउट एंड गिव अ चेज, बिनिया भी छाते के लिए चिल्लाई और उसके पीछे दौड़ी। बिनिया वॉज कमिंग होम फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, अभी बिज्जू जो है वो दूसरी दिशा से अपने घर से आ रहा था। एज ही रीच द पाथ ही सॉ बिनिया रशिंग डाउन द हिल एज दो ऑल द माउंटेन स्पिरिट्स इन गढ़वाल वेयर आफ्टर हिट। उसने देखा कि उसकी बहन ऐसे दौड़ रही है जैसे कि माउंटेन की सारी स्पिरिट्स उसके पीछे आ पड़ी थी। व्हाट्स रॉन्ग, ही कॉल्ड, व्हाई आर यू रनिंग। उसके भाई ने उससे पूछा कि भला क्या गड़बड़ है, तुम दौड़ क्यों रही हो। बिनिया पॉज ओनली टू पॉइंट एट द फ्लीइंग राजा राम। बिनिया ने राजा राम की तरफ इशारा करते हुए, थोड़ी देर वो रुकती है और इशारा करती है राजा राम की तरफ। माई अम्ब्रेला, शी क्राइड, ही हैज स्टोलन इट। वो इतना ही कह पाई कि उसने मेरा छाता चोरी कर लिया है। बिज्जू ड्रॉप्ड हिज बंडल ऑफ स्टिक्स एंड रैन आफ्टर हिज सिस्टर। अभी बिज्जू ने भी अपने हाथों से छड़ी की कट्ठर को छोड़ा और अपनी बहन के साथ दौड़ पड़ा। वेर ही रीच्ड हर साइड ही सेड आई विल सून कैच हिम। वो जब उसके बिल्कुल बगल में आ गया तो कहता है कि मैं उसे तुरंत पकड़ लूँगा, और वेंट स्प्रिंटिंग, बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ गया उन लश ग्रीन ग्रास के बीच। राजा राम अभी वॉज क्रॉसिंग द सैलो स्ट्रीम व्हेन बिज्जू कॉट अप विथ हिम, जब बिज्जू उसे पकड़ लिया। राजा राम वॉज अ टॉलर बॉय, राजा राम हालांकि लंबा लड़का था, बट बिज्जू वॉज मच स्ट्रॉन्गर, लेकिन बिज्जू ज़्यादा ताकतवर था।
He flung himself at the thief, caught him by the legs and brought him down in the water. उसने उसे उसके टांगों से पकड़ा और उसे पानी में घसीट कर ले गया. राजा राम ट्राइड टू ड्रैग हिमसेल्फ अवे बट बिज्जू हैड हिम बाय लेग. उसने बचने की काफ़ी कोशिश की, उसने उसे घसीटने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बिज्जू ने भी उसके पैर को नहीं छोड़ने की ठान रखी थी. लेट मी गेट अप, गास्प्ड राजा राम. राजा राम कहता है उठने दो मुझे, लेट मी गो, आई डोंट वॉन्ट योर अम्ब्रेला, यूजलेस अम्ब्रेला. वो कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारा यूजलेस अम्ब्रेला नहीं चाहिए. देन वाई डिड यू टेक इट, डिमांडेड बिज्जू. बिज्जू पूछता है कि ठीक है तुम्हें ये नहीं चाहिए था, फिर तुमने इसे लिया क्यों. इट वॉज इट राम भरोसा, सेड राजा राम, ही टोल्ड मी टू गेट इट फॉर हिम. उसने मुझे कहा था कि मैं उसके लिए छाते लेकर के आ जाऊँ. ये सारा किया कराया राम भरोसा का है. बिन्या एंड बिज्जू राजा राम की तरफ घूरते हैं और उसके प्रीशियस अम्ब्रेला को वापस लेकर चले जाते हैं. जब विलेजर्स केम टू नो दैट राम भरोसा हैड ट्राइड टू हैव द अम्ब्रेला स्टोलन, दे टर्न्ड अगेंस्ट हिम. अभी जब विलेजर्स को मालूम पड़ता है कि राम भरोसा ने उस छाते को चोरी करने की कोशिश की थी, वो उसके खिलाफ खड़े हो गए. दे स्टॉप ट्रस्टिंग हिम. उन्होंने उसका भरोसा करना छोड़ दिया. नाउ दे प्रेफर टू टॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू द शॉप नियर द टेहरी बस स्टैंड. अभी वो उस बस स्टैंड पे जो दुकान था उससे थोड़ी दूरी ही रखते और जो दूसरा शॉप था वो वहाँ जाकर खरीदारी किया करते. द ओल्ड मैन सैट अलोन इन हिज एम्प्टी शॉप वंडरिंग इफ एनीवन वुड एवर कम अगेन इन फॉर अ ग्लास ऑफ टी. अभी जो बूढ़ा दुकानदार था वो बेचारा इंतज़ार में रहता कि शायद कोई आए उसके दुकान पे चाय पीने के लिए, क्योंकि लोगों ने पहले ही अपना दुकान बदल लिया था. He lost his appetite and ate and drank very little. उससे तो अपना खाने की सूद रही, उसने अपना appetite, खाने में जो रुचि थी वो छूट गया. खाना छोड़ दिया, पानी पीना काफ़ी कम कर दिया. उसकी जो छत थी वो टपकती और जो हवा थी वो corrugated thin sheets, मतलब उसमें उसके जो टिन शीट्स थे उनमें से हवा बड़ी तेज़ी से अंदर बाहर आ रही होती. लेकिन राजा राम भरोसे को इन चीज़ों की परवाह नहीं थी. बिज्जू एंड बिन्या पास्ट हिज शॉप ऑलमोस्ट एवरी डे. बिज्जू और बिन्या आज भी उसकी दुकान के पास से हर दिन गुजरते. बिज्जू वेंट बाय विथ अ लाउड बट ट्यूनलेस विसल. अभी बिज्जू जब भी उधर से गुजरता तो वह जोड़ की सीटी बजाता, लेकिन स्ट्रेंजली इनफ बिन्या क्रेप्ट क्वाइटली पास्ट द शॉप. लेकिन सरप्राइजिंगली बिन्या जो थी वो चुपचाप उस दुकान के आगे से पास कर जाती दूसरे तरफ देखते हुए, जैसे कि शी वॉज इन सम रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइजरी ऑफ राम भरोसा. जैसे कि उसके कारण ही राम भरोसे के साथ ये माइजरी, जो कुछ भी गलत हुआ है राम भरोसे के लिए, वो अपने आप को जिम्मेवार मानती. शी कुडंट हेल्प फीलिंग दैट इन अ स्मॉल वे शी वॉज द कॉज ऑफ सैड लुक ऑन राम भरोसा फेस एंड द कंडीशंस ऑफ हिज शॉप. उसे लगता कि किसी न किसी तरीके से राम भरोसे की आज जो स्थिति है उसके पीछे उसका भी हाथ है. वन डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, एक दिन अक्टूबर के अंत समय में, व्हेन शी हैड 10 पैसे इन हर पॉकेट शी एंटर्ड द शॉप एंड आस्क द ओल्ड मैन फॉर अ टॉफी. वो उसकी दुकान पे जाती है और उसे उसके पास 10 पैसे के सिक्के थे तो वो उसे 10 पैसे के टॉफी मांगती है. पिछले 2 सप्ताह में राम भड़ोसी की दुकान पे जाने वाली वो पहली कस्टमर थी. ही लुक्ड सस्पिशियसली एट द गर्ल. उसने उस लड़की की तरफ सस्पिशियस बड़ी नज़रों से, सस्पिशन से देखा. क्या वो उसे टॉन्ट करने आई थी, उसका मजाक उसे चिढ़ाने आई थी, टू फ्लॉन्ट द अम्ब्रेला इन हिज फेस, या वो उसके चेहरे पर छाता मारने आई थी. शी हैड प्लेस्ड हर कॉइन ऑन द काउंटर, ही गेव बिन्या द टॉफी. तो राम भरोसे ने बिन्या को टॉफी तो दिया. बिन्या हैड ऑलरेडी लेफ्ट द शॉप व्हेन राम भरोसा सॉ द क्लोज्ड अम्ब्रेला लाइंग ऑन हिज काउंटर. अभी बिन्या तो दुकान से छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन राम भरोसे ने देखा कि छाता उसकी दुकान में ही रखा है. देर इट वॉज द ब्लू अम्ब्रेला दैट ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड. यही वो छाता था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी. ही हैड ओनली टू हाइड एट द बैक ऑफ इट शॉप एंड नो वन कुड नो दैट ही हैड इट. नो वन कुड प्रूव दैट बिन्या हैड लेफ्ट इट बिहाइंड. अभी उसे इतना ही करना था कि वो उस छाते को छुपा कर रख देता. किसी को पता भी नहीं चलता कि ये उसके पास है और ना ही बिन्या ये प्रूव कर पाती कि उसने यहाँ पर छोड़ा है. He stretched out his trembling bony hand and took the umbrella by the handle. अभी उसने अपने कांप रही बूढ़ी हाथों को, हड्डी भरी सिर्फ हड्डी वाली हाथों को आगे बढ़ाया ताकि वो छाते को ले सके. उसने इसे खोला. He stood beneath it. वो इसके नीचे खड़ा भी हुआ. In the dark shadow of his shop,
वेयर नो सन और रेन कुड एवर टच इट। और उसने उसे खोल कर भी देखा जहाँ पर धूप की कोई रोशनी या बारिश की बूंद तो आ भी नहीं सकती थी। बट आई एम नेवर इन द सन और इन द रेन, ही सेड अलाउड, ऑफ वॉट यूज इज एन अम्ब्रेला टू मी। कहता है कि ना तो मुझे बारिश में जाना पड़ता है ना तो मुझे धूप में जाना पड़ता है, तो इस अम्ब्रेला की मुझे ज़रूरत भी क्या है। एज ही हरीड आउटसाइड एंड रन आफ्टर बिन्या, अभी जैसे ही वो दौड़ा और बिन्या के पीछे भाग पड़ा। बिन्या बिन्या ही शाउटेड, बिन्या इफ यू हैव लेफ्ट योर अम्ब्रेला बिहाइंड। वो कहता है कि बिन्या देखो तुमने छाता मेरी दुकान में छोड़ रखा है। ही वॉजेंट यूज टू रनिंग, हालांकि वो उसे दौड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन वो बिन्या तक पहुँच पाया। हेल्ड आउट विथ अम्ब्रेला सेइंग यू फॉरगेट इट द अम्ब्रेला। कहता है कि बिन्या देखो तुमने अपना अम्ब्रेला छोड़ दिया था। इन दैट मोमेंट इट बिलोंग टू बोथ ऑफ देम, और उसी वक्त से छाता इन दोनों का हो गया। लेकिन बिन्या डिडंट टेक द अम्ब्रेला, उसने इस अम्ब्रेला को लिया नहीं। शी शुक हर हेड एंड सेड यू कीप इट आई डोंट नीड एनी मोर। उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि इसे तुम ही रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इट्स सच अ प्रिटी अम्ब्रेला, प्रोटेस्टेड राम भरोसा। राम भरोसा कहता है कि लेकिन ये कितना प्यारा अम्ब्रेला है, इट्स द बेस्ट अम्ब्रेला इन द विलेज, ये गाँव का सबसे बढ़िया अम्ब्रेला है। आई नो सेड बिन्या, बट एन अम्ब्रेला इज़ंट एवरीथिंग। वो कहती है कि अम्ब्रेला हर कुछ तो नहीं हो सकता ना। एंड शी फेल्ट द ओल्ड मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला एंड वेंट ट्रिपिंग डाउन द रोड। और उसने उस इंसान को छोड़ दिया कि वो अम्ब्रेला ले सके और उसे घुमाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। देयर वॉज नथिंग बिटवीन हर एंड द ब्राइट ब्लू स्काई। आज बिन्या और उस ब्राइट ब्लू स्काई के बीच में कोई छाता नहीं था। एंड दिस स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए लेसन के साथ। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।